पहले ही टी20 मैच में वसीम जफर ने चुन ली है भारत की प्लेइंग 11। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच आज के दिन खेल रही है। वही टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं, वही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर है। टीम इंडिया में कई युवा प्लेयर शामिल है। अब भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जफर ने पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान किया था। बता दें आपको कि इसके बारे में वसीम जफर ने पहले टी20 मैच के प्लेइंग 11 में ओपनिंग के लिए ईशान किशन को, शुभमन गिल को चुना था। यही दोनों खिलाड़ी पिछले कुछ समय से अच्छे से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पास वो काबिलियत भी है और ये सभी जानते हैं। वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जी उड़ा सकते हैं। तीसरे नंबर के लिए उन्होंने राहुल त्रिपाठी को मौका दिया था। वही वसीम जफर ने चौथे नंबर के लिए सूर्य कुमार यादव को मौका दिया था। सूर्य कुमार पिछले कुछ समय से बहुत ही शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं। वो मैदान के किसी भी कोने में स्ट्रोक लगाने में माहिर है। पिछले साल वो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साबित हुए। पांचवें नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या उतर सकते हैं। वही कातिलाना गेंदबाजी, ढाकर बैटिंग में माहिर ऑलराउंडर के तौर पर दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर को वसीम जफर ने प्लेइंग 11 में मौका दिया है। वसीम जफर ने पहले टी20 मैच की प्लेइंग 11 में उमरान मलिक, शिवम मावी और अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाजी के लिए चुना था और यही खिलाड़ी पारी की शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी करने में माहिर है। और बता दें टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े महारथी है और चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। स्पिन के तौर पर वसीम जफर ने कुलदीप यादव को चुना है। हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर है आज और शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, साथ दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और शिवम मावी। पहले ही टी20 मैच में वसीम जफर ने चुन ली है भारत की प्लेइंग 11। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच आज के दिन खेल रही है। वही टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं, वही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर है। टीम इंडिया में कई युवा प्लेयर शामिल है। अब भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जफर ने पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान किया था। बता दें आपको कि इसके बारे में वसीम जफर ने पहले टी20 मैच के प्लेइंग 11 में ओपनिंग के लिए ईशान किशन को, शुभमन गिल को चुना था। यही दोनों खिलाड़ी पिछले कुछ समय से अच्छे से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पास वो काबिलियत भी है और ये सभी जानते हैं। वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जी उड़ा सकते हैं। तीसरे नंबर के लिए उन्होंने राहुल त्रिपाठी को मौका दिया था। वही वसीम जफर ने चौथे नंबर के लिए सूर्य कुमार यादव को मौका दिया था। सूर्य कुमार पिछले कुछ समय से बहुत ही शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं। वो मैदान के किसी भी कोने में स्ट्रोक लगाने में माहिर है। पिछले साल वो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साबित हुए। पांचवें नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या उतर सकते हैं। वही कातिलाना गेंदबाजी, ढाकर बैटिंग में माहिर ऑलराउंडर के तौर पर दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर को वसीम जफर ने प्लेइंग 11 में मौका दिया है। वसीम जफर ने पहले टी20 मैच की प्लेइंग 11 में उमरान मलिक, शिवम मावी और अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाजी के लिए चुना था और यही खिलाड़ी पारी की शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी करने में माहिर है। और बता दें टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े महारथी है और चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। स्पिन के तौर पर वसीम जफर ने कुलदीप यादव को चुना है। हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर है आज और शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, साथ दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और शिवम मावी।